Hi everyone, welcome back to my channel. First of all, happy Mother's Day to everyone's mom because सबकी moms बहुत अपने बच्चों से प्यार करती, तो ये दिन सबकी moms के लिए है। और ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज गिफ्टिंग माई मॉम iPhone 14। तो एल्विश ने अपनी मम्मी को मदर्स डे पे iPhone 14 गिफ्ट किया है। वाओ। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। मुझे आंटी का रिएक्शन देखना है कि आंटी का रिएक्शन कैसे हुआ होगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग तो इनका शैतान वाला है, तो कुछ तो खुरापाती चीज़ करी होगी इस ब्लॉग में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आई नो आप लोगों ने देख लिया होगा ये ब्लॉग, तो मेरे साथ एक और बार देख लो क्योंकि मेरे को देखना बाकी है। अभी मैं देखूँगी ये। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड एंड तक आओगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब में बाद में बोलूँगी। लेट्स प्ले गाइस। एक बैड न्यूज़ है अपनी गाड़ी के साथ। बैड न्यूज़ ये है कि भाई ये वाला पहिया जो है ना, ये पंचर है। और अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा साला पंचर कहाँ से है, और इसको लेके ना जाऊँ क्योंकि पहिया ख़राब हो जाएगा, तो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। यहीं पे इसका करेंगे आज शाम को इलाज करेंगे, या फिर देखते हैं। अभी तो इंपॉर्टेंट है घर जाना, एक बार आंकड़े खाने, तो अपने बैठ कर निकलते हैं। गुड मॉर्निंग जीतोस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। तो जैसे तुम्हें पता लग गया होगी, हमारी एक वीडियो टेक डाउन कर ली यूट्यूब ने, जिसमें हिंदू स्टिकर हटा रहे थे वो बंदे, जो मतलब मैंने बताया था। शायद यूट्यूब को बुरी लगी मेरी बोली हुई बात की धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनको लगा कि आई एम स्प्रेडिंग हेट, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर वीडियो वैसे मैंने दूसरे चैनल पर डाल दिया हो, एक मैंने नया चैनल बनाया जिसको नहीं पता, एल्विश 3.0, जिसमें मेरी ऐसी वीडियोस आएंगी जो मेरे हिसाब से यूट्यूब मेरे चैनल पे मेरा चैनल ना उड़ा दे। तो वो रिस्क कम करने के लिए भाई एक चैनल बनाया एल्विश 3.0 करके। और ये मैं सोच रहा पैसे पूसे कमाने के लिए करा, भाई पैसा भगवान की दया से बतेरा। पहले सिर्फ वीडियो मेरा कंटेंट गायब हो रहा था और यूट्यूब मेरी रीच रोक रहा था, इस वजह से मैंने डाला कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचे ये सारी चीज़ें। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक होगा। तो प्लीज़ ये तो रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि भाई साहब प्लीज़ कर लेना। दूसरी चीज़ भाई, अब आज चल रहे डस्टर है। डस्टर गाड़ी क्या सोच के ना हो रहा डस्टर। तुम्हें वो वाला टाइम याद है भाई जब स्कूल में पढ़े करते और चौक, दूसरी क्लास में जाकर मैडम वो चौक दे दो कि चौक, वो हमारे खत्म हो गए, मैडम मंगारी चौक, याद है? मुझे भी याद है। तो भाई आज ना थोड़ा स्पेशल दिन है, जैसे व्लॉग हमेशा स्पेशल होता ही है, आज का भी अपना थोड़ा स्पेशल है। मैं बताता हूँ स्पेशल कैसे है। आज मैं मम्मी को गिफ्ट कर रहा हूँ आईफोन 14। मम्मी के पास बेचारी के पास 7 प्लस है, मेरा ही दिया ओड है, तो घने दिन हो गए थे, खराब भी होगा वो, है ना। तो मेरी मम्मी का इतना यूज़ नहीं होता ऑल दो फ़ोन का, कि मतलब उन्हें ज़्यादा चलाने नहीं आता, उनको सिर्फ कॉलिंग चाहिए, वीडियो कॉल चाहिए और यूट्यूब चाहिए बस। तो उसके लिए मेरे हिसाब से आईफोन 14 इज़ बेटर, मतलब अच्छा है। तो अभी शाम को जाऊँगा, कईयों की खाज मिटेगी। अभी कईयों की खाज मिटा देता हूँ, जरा मैं मिटा दूँ, कहोगे तो मिटा दूँगा। बंदे भग भी तो जाते हैं। एक कराटा वाले की खाज मिटा देता अभी मैं, मज़ेदार। गाँव में ही सुन रहा होगा तू ब्लॉग, तो देखता होगा, टकरा मत जाइयो। दूसरी चीज़ तो भाई व्लॉग कह रहा मैं अपना आईफोन 14 लेकर आएंगे। अभी थोड़ी देर में नहा धोगा, बड़ी मम्मी तो बताऊंगा नहीं। एक काम करते हैं भाई, मम्मी का ना फ़ोन तोड़ देते हैं यार। मैं सोच रहा हूँ मम्मी का फ़ोन तोड़ दूँ तो ज़्यादा स्वाद आ जाएगा, पर यार क्यों नुकसान करना ना, किसी और का काम आ जाएगा या फिर कभी इमरजेंसी में काम आ जाएगा। पहले मैं सोच रहा मम्मी का फ़ोन तोड़ दूँ, मम्मी को भी कहो, फिर मैं टिप्पणी कर देता न्यू फ़ोन, और मम्मी मारेगी क्योंकि मेरी चैट वैट तो इसी में रह गई रहेगी, इस टाइप का कुछ हो सके। नया फ़ोन आ गया, बोरी ना करेटा इधर से निकल के आई है, यहाँ से क्या छुप के जावे, फिर पकड़ लेते चलो इसका। अरे भाई साहब इधर भग गए, जाना उसको इधर ही था, देखो जा रही बगी। और कोई नहीं, हम तो अपना काम तक काम रखे हैं, पर फिर भी मत टकरा दियो भाई। मैं तो ये सोचता हूँ भाई कि बंदों में एक तो जोर नहीं, मतलब क्या तो भाई ऐसा ही योग जोर ही पूरा कि आजा, या फिर करके भगो मत हरकत, है ना, गाड़ी के साथ ऐसे ऐसे करके और फिर टेढ़ा मेढ़ा कटकुट मार के भग जाते हो। क्या तो भगो मत, रुको, तो अगर कोई रोके तो तुम्हें। इसमें तो बहादुरी नहीं हुई, इसमें तो यार तुम्हारी वो कायरता। तो मैंने तो डरपोक घोषित कर दिया कराटा वालों को, भी लग रहा हो कि हवाबाजी हो गई उसकी। भाई बहुत बड़ा डरपोक का छेद था, मजाक से हट के। वैसे घर आ जाए, पता होगा तुझे घर भी। मैं गलत टेंजेंट पे लेके जा रहा हूँ, नई बातें छो चढ़ गया था मेरे दिमाग में। मैंने कहा क्या बेवकूफ लोग, साड़ी चलानी नहीं आती, गाड़ी घोड़ी। ठीक है, तो मम्मी को भाई अपने चल रहे हैं आंकड़े, और इसमें भाई दलिया है, और मैं तुझे डोंगा लगा कर दिया। क्या बना रहे हो? मैंगो शेक। कुछ बार रखना, हमारे यहाँ पे सिर्फ मैंगो शेक पीने आ रखे, बताओ कौन? अच्छा तुम हो गया, तुम कब आए? आंटी ने स्पेशल बुलाया था। मुंह उतर गया। कहीं ना मुंह अच्छा ऐसा ही भाई वो कहते ना चल्ला वो रहा बाहर मीटिंग कर रहा वो उसका चल्ला या वो उसका चल्ला नु बताओ सब एक दूसरे के चल्ले हां नु गए कहां है वो कहां वो मीटिंग करने कौन कहां हो रही मीटिंग मीटिंग कहां है कटारिया होगा जरूर वो आगे शैतानी बालक अरे यार 5 मिनट मारता हूं तेरा 5 मिनट यो बंदे को यो है लीगल चीज वो है ऋतिका शर्मा है इसमें वो भगा दिया उन्होंने वो भगा दिया वहां टीम से निकल गया मैं आपकी वजह से आपकी तेरी वो बंदी भगाई नहीं भगाई अभी तक वो क्यों भगाई अपील करना चाहता हूं मैं हमारा अर्चित जिसने निकाला कंपनी उसे निकाले ठीक है उसे माफ कर दो तुझे बदनाम कर दूंगा तेरी कंपनी में मैं हुई नहीं इसका म्यूट हटा रिकॉर्डिंग को इसका म्यूट हटा अरे लेके जा रहा है देख कहां देख कहां चुप के बैठा देख उसमें कबाड़े से मैं वो पंखा भी चला रखा आवाज आ जाएगी 9700 रुपए ना कट जाएंगे देख पसीने देखो पसीने अरे बाप रे 9700 रुपए ना कट जाएंगे अगर पंखे की आवाज आ गई तो मैंगो शेक नहीं पीना तुझे भाई मैंगो शेक कुर्बान कर दिया ठीक है भाई हम तो ऐसी छेड़खानी करते रहे मैं कह रहा हूं तुझे पता है क्या मैं मम्मी को iPhone 14 दे रहा हूं क्या बात है भाई भाई बहुत बढ़िया देना भी चाहिए बताइए मत ओके ले आए हम लोग अभी लेके आ जाएंगे बता मैं कह रहा हूं मोटे तेरा फोन कहां है चुप के रह बता ना कहां पड़ा नहीं पड़ा है फोन ना तोड़ तक है ओहो मैं उसे चल जाएगा ना तू रोटी खाता खाता तू बंदी कर गया है वहां तक अरे अपना सिस्टम है अरे भाई अपने काकड़े यहां चल रहे बेड पे तुझे गंदा मस्त लगाने वाला हमारा घर भी सेम है भाई कौन सा गद्दा है अच्छा नु बता दे कौन सा गद्दा भाई पता नहीं हमारा कंपनी बता दे स्लीप वेल का होगा अरे पागल है का स्लीप वेल कोई कंपनी है तो इसका बता आप बताओ मैं कुछ नहीं पता पुमा इसने ना कई बार नु सोचा जवाब के देवे इसने क्वेश्चन पूछा तो कि उसका उल्टा जवाब आएगा मैं कह रहा हूं बता कौन सी कंपनी का गद्दा गद्दा स्लीप वेल का जैसा है ये तो लोकल है कोई मैं तो रेट पूछ लेगा बस रेट बता 30000 का ले भाई तेरा कितने का गद्दा है भाई जितने का भी टी शर्ट है 10,000 रुपए का 12,000 रुपए ओके चलो भाई हम तो ये शाबाश ये देखो आ गया ये देखो एक चीज दिखाऊं ये देखो लव बाइट गाइस लव बाइट देख रहे हो अभी देखना मम्मा मम्मा यहां आओ अंदर आ जाना लव बाइट मैं कह रहा हूँ आओ आओ तो ये देखो ये बताओ क्या है मैंने तो कुछ कही ना मैं कह रहा हूँ तो लव बाइट है सही में लव बाइट है शर्म क्या पापा एक काम तेरे हिम्मत पापा पापा तो बोल दूँ पापा कहाँ है लो अभी बोल दूँगा मैं कह रहा हूँ पापा जी यो देखना यो क्या होगा बाइट नहीं बोला लेकिन क्या है कुछ नहीं है वही है ना मैं तो पापा दिखा दूंगा मैं कहा पापा ये तो वो है मच्छर की बाइट अरे वो तो मैं कुछ भी बोलूं अरे वो है मच्छर की बाइट मच्छर खाएगा पता ना क्या होगा यहाँ पे निशान आगा ज्यादा कपड़े ला दो ऐसा ही अपना लव बाइट लेते रहे मौज करते रहे पापा का सही ना लगा ना पापा पहचान जावे ये बिहार के गोवा था मेरे भाई यार के बुआ मांगला टी-शर्ट हां भाई मांग के तो लाऊं मैं पता ना कहां था मांगला और यो के पैर लगा तू गले में भाई नहीं है मैं गले में पैर लगा हूं ना जब तक मैं पैर लगा हूं ना जब तक भी होगा ना शाबाश चल परे ना हो अब तो हमारे जैसों ने बड़े-बड़े आदमी ने दूर हटाने लग गए मैं कमट लव बाइट है पता भाई सुन जल्दी पैर ले यार चलना है एक बार आइंदा ही खराब होगी वही तो तू मेरे को सरप्राइज देगा अरे यार तो बैठ तो क्यों गई थी मेरे मैंने मम्मी ने कह रही सरप्राइज लेके आ रहा हूं एक ने कही क्या सरप्राइज है चलते बैठी मैं बाट में आयो के बुरशट पहन रहा तू गोवा वाली वो पहन रहा उसकी वाली भाई अपना एक भाई यार इधर आओ भाई इधर आओ क्या नाम है तुम्हारा दीपांशु हैं हेलो दीपांशु नाम है कहाँ रहते हो भैया यहीं पे वजीराबाद पे झील पे आ गए शाबाश मैं क्या करना आया था पलाट में फिर भैया मैं आपसे मिलने आया था मेरी ख्वाहिश पूरी होगी मैं आपसे होगी पूरी चलो धन्यवाद ठीक है ओके जी धन्यवाद थैंक यू खुश हो जाओ वाड़ा को ना छोटे बालों का दिल ना दुखाना चाहिए, भगवान का रूप है। मैं ये सारे उल्टा सीधा बोल देते बच्चों को, मैं हूँ बहुत अच्छा भाई। हम जा रहे हैं अभी कहाँ पे वो देखने, मेन्यू देखने। भाई कटारिया भाई अपने पिताश्री को, हमारे अंकल जी को वो दे रहा गिफ्ट, हम ही ना दे पा रहे एक, क्योंकि हमारा पापा सेलेक्ट ना कर पा रहा। इसका खुड़ा क्या है कुछ भाई, अंकल को उस दिन कही तो थी क्या आप ई क्लास ले लोगे, मैं ना चलाऊं तू ही चला ले। अंकल ने डांटा भाई, पापा ना चलने कह रहा ये तुम ही चलाओ भाई। ये सब कहां क्या कर, ठेके पे आ जाओ पहले। कटार क्या करता, हां ये कह रहा बोतल ले रहा हूं मैं पापा के लिए। कह रहा मेट्रो क्रॉस मत करना, सर्विस लेन में घुसते ही हुंडई है, और हुंडई ना अंडा अंडा ही कर रहा साला जब तक। हां भाई कुछ सीख, कह रहा मेट्रो क्रॉस मत करना। कहां है देखिए, और होंगे ये है क्या अंदर है, कहां है एंट्री और ये क्या ऑर्चिड सेंटर, ये तो ना भाई साला कटारे बेकू बना का बेकू बना कटारिया भाई। हुंडई में भी 50 लाख की गाड़ी देख लो, दिखाऊं लो 50 लाख की गाड़ी ले, और कुछ भी ना इसमें, कुछ भी हो तो कुछ इसमें भाई अंडाई। क्या अंडाई में वो बात नहीं बची यार अब पहले वाली ना, जो पहले अंडाई की गाड़ियां आती थी ना, अब अंडाई में वो आंडी आई वाले मजा नहीं है। आप कटारिया बन रहे हो, कटारिया मैं कह रहा हूँ अब एंडी मजा नहीं, अंडाई में साला अंडाई अंडाई कर रहा है इतनी देर तक भाई। हुंडई की ना एक इलेक्ट्रिक खड़ी 50 लाख रुपया की, 50 लाख रुपया की मुझे बता दो साला ले कौन रहा हुंडई, और चलो ले ली तो उसे रीसेल में खरीद कौन रहा। ये तो रीसेल नहीं है, वो वर्थ भी नहीं थे भाई। वो 631 किलोमीटर चला है एक, उसमें एक बार पानी भरना था, अरे चार्जिंग करना था। मुझे तो मजा नहीं आया भाई हुंडई के शोरूम में बैठ के, पानी पानी पिया बस, जूस भी नहीं पिया। और कटारिया को अपनी मनपसंद गाड़ी नहीं मिली, कटारिया को चाहिए थी डीजल में, चाहिए ना उसको कुछ, कटारिया को चाहिए था कुछ सस्ता, वो मिल नहीं पाया कटारिया को, सब महंगा था अंडाई में। तो एक बार मैं तो कह रहा था मैं हुंडई और चला जाए एक बार, अंडाई में घुमाया तो वही ना। एक बार मम्मी का फ़ोन ढालूंगा जरा, आता है शोरूम पता है अपना भाई यार की दुकान है गुड अर्थ में, आ जाना कहते फोन पान चाहिए हो तो उनसे ले ले करो, मेरा नाम लेकर डिस्काउंट मिल जाएगा गुड अर्थ मॉल, ठीक है। फोन पे भी कोई सा फोन पे भी ठीक ठाक करवा लेना, दिखाऊंगा अभी कहाँ है। गाइस मस्त वीडियो चल रही है गाइस, हटा दियो एक बार इसको ना, ना इसको ना ये अब लग रहा तो मस्त। मैं तो भाई मस्त, अंकल देख रहा है इधर, अगर मेरे को कैप्चर तो नहीं कर लिया, बीड़ी पीते हुए कर लिया अंकल जी कर लिया। ट्रैफिक में फंस रहे हैं, मम्मी का फोन आने के लिए, तो बस मैं तुम्हें चोरी दिख रही है इधर ना, इधर चोरी बैठने कर भैया उसको ना हेलो कर दो, क्यों कर दो हेलो, शर्म नहीं आती किसी के बाहर बैठते है। अरे हम दे क्या तेरे सामने तो बस कड़ी है री, कहाँ है इसमें छोरी। अच्छा 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 छोरी भी दिखानी पड़ेगी, देखो ये री कंधा देखा छोरी का, हे भगवान भाई मेरे को दिखी भी नहीं थी, रहने दे चश्मे सब तबला तो दे दिखा है। जूम दिखा, जूम मेरे को क्लियर दिखा है बस, जूम दिखा मेरे तो क्लियर थोड़ी दिखता हो तुझे ना, आपसे क्लियर दिखा है। अरे हां बैंगन, अबे दिखी नहीं बंदी तो कहां है ये री, नहीं फोटो में कितनी है, दो ये क्या हो रहा है, दो मजाक सेट के बता मां कसम खा के। भाई अभी देख लो ना ये देखो, वो तो वही दिख रही है आपने भाई। हम भाई यार की तो है भाई, मेरे ही फोन में बना दो, बोलो ये इसमें एयर ड्रॉप ले लेना यार ब्लॉगर। मैं कह रहा हूँ अभी भाई भाई यार की दुकान पे आया मैं लेने आया था 14, बट अब हम ले रहे हैं दो फोन, 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो मैक्स। मजा आ गया ना, कोई दिक्कत ना है। एक 14 प्रो मैक्स और होना चाहिए ब्लैक कलर का, है ना, ब्लैक कलर का और होना चाहिए, तो ये ले लिया, और एक 14 ले लिया। ठीक है भाई अपनी दुकान का नाम बता दो एक बारी। टेक टॉक्स। हाँ, नहीं टेक टॉक ओनली है। ये तो YouTube चैनल का नाम लग रहा है किसी। टेक टॉक है भाई की यहाँ पे गुड अर्थ में। और भाई मेरी तरफ से बंदे आएंगे, डिस्काउंट दोगे ना? दोगे? हाँ, कर देंगे। और ये भाई तो दे दो यार एक आईफोन भाई। मैं कह रहा हूँ पहले वो तो दे दो डिस्काउंट। मैं ना देना डिस्काउंट हमारे, मैं अपने मैं एल्विश के थ्रू आया हूँ, मुझे कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? फ्री में प्राइवेसी अलग क्लास लगा लिया। लो भाई भाई मेरी को मैंने भी लगाया रे भाई, प्राइवेसी लगा देना भाई, भाई मेरी पे भी लगा दो प्राइवेसी यार, हाँ मुझे जरूरत है प्राइवेसी। भाई मेरे दो आइसक्रीम, और मम्मी ना वो सोच रही है ना अगर अकेले खा रहा हूँ, मैंने कहा ये है सरप्राइज आइसक्रीम, आप आइसक्रीम ले गए देख रही है। और फोन जेब में है मेरी, पता ही नहीं मैंने फोन ले गया, खोलो ना इसको, सरप्राइज ले गया हूँ आपके लिए। यार मेरे पीछे जेब में ना, जेब में कह रहा पीछे पन्नी में आइसक्रीम है। यो पे वो है सरप्राइज, तुम तो मैं बहका दी, बहका है क्या सरप्राइज? आप आइसक्रीम खाए कितने दिन हो गया आपने, है ना? तो गेट बंद कर देता हूँ अभी, देखना भाई मजेदार चीज है, मम्मी खुश हो जाएगी बेचारी। हाँ मैं कह रहा हूँ सरप्राइज आओ, सरप्राइज आओ, आएगा तो कुछ भी ना लेकर आएगा तो ये वाला सरप्राइज। अरे ये तो ईव लेगा है ना, ये तो अच्छा ना लगा। अच्छा है, एक और सरप्राइज बहुत अच्छा था। कुछ हो जाएगा तो। हां जी, एक सरप्राइज मेरी जेब में कुछ रखा। चॉकलेट दिखा ना, ये देख चॉकलेट। खाओगे चॉकलेट? तू दिखा सही की है। ले भाई मोटे गेले आईफोन। और मैं मर जाऊंगी। सच्ची कही है? हां सच्ची का यार। डाउट होता है ना। कौन सा? 14 अबे कितना सो तेरी कसम। हां कितने खुश हो गए। मेरा फोन हो भी रहा था मेरी डावाडोल सा। ये तेरा कवर भी है। हां टेम्पर्ड भी चढ़वा दिया मैंने इस पे। ये तो सच्ची क्या है। हां हां अच्छा तेरी मौसी ने तो भूल ही गई। अरे मैं अपने उसमें हो गई इमोशनल उसमें। जिस लाया छोरा सच्ची में मेरे फोन में ना फोटो ना आवे इसमें आ जाएगी मोटा सब चीज। तेरे मौसी ने मेरे बुला दी। मौसी नमस्ते। नमस्ते और अवेश ठीक है? हां जी हां जी, आप ठीक हो? हां बेटा बढ़िया। मगर ये फोन एक आदम मस्ती की ने मिला दी भाई। आप ही कही है मेरे दोनों फोन आपके हैं। ऐसी तो मीठी गोली देऊं मैं सबते। तू भी मारा ही है। लो कह रहा है मैं ऐसे तो मीठी गोली दिए करूं। देख लो बड़ा लाना या फिर सही है। लाइक बने रहो। सही मैं कह रहा हूं बड़ा लाना 14 ठीक है। थोड़ा छोटा ना है यो। हैं थोड़ा बड़ा ला दे। इसके जितना ही है स्क्रीन में यो। हां इसके जितना ही है। बड़ा फिर आपके हाथ छोटे है ना। ना फिर वही ठीक है। बड़ा फिर मेरे फोन जितना आएगा। ये झेल सका तो मैं फिर कर लाऊं। एक और है। तू कहां से लाया है? सच्ची का लाया तो झूठी का लाया है? अरे झूठी का क्या होता फोन है। झूठी का क्या देख रहा है? अच्छा ही नहीं हो रहा भाई हो रहा। फिर क्यों कह रहा मैं बदल के ला उसको। अरे तो मेरी मर्जी कुछ भी कर सकूं मैं तो। अच्छा अच्छा ये 14 है। हां मेरी केबल गोबल सारी चीज धरी आपकी है तो नया ही। अरे तो पुराना क्यों लाऊंगा। हां मैं घने दिन तक घेरते रहे मेरा फोन ला दे मेरा फोन ला दे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जुबिलेटेड हैप्पी एनिवर्सरी हो गई तेरी। हां ये एनिवर्सरी गिफ्ट मोटा का। और बताओ मोटा का फोन कहां है? हटाओ ये पन्नी हटाओ भाई। अभी तक एक भी फोटो नहीं खींच रखी हमने। पहली फोटो ये तो मेरा फोन है आपका फोन दे ना रहा। पहली फोटो मम्मी की। ए लो भाई मोटो का पहली फोटो मोटो की लो खींच गई। पहली फोटो मम्मी की ये रही। आपने भी खींच लो। दूसरी फोटो ये रही। अगर मेरे तो सरप्राइज की कही तो मुझे सरप्राइज चाहिए। ये मेरी दूसरी फोटो। पहली फोटो मम्मी की, दूसरी फोटो मेरी, तीसरी फोटो पापा की ले लेंगे। खुश होगा मोटे। 14 आईफोन 14 आगा तेरे पास तो है। देख के खुश होगा। देख आइसक्रीम भी मिल गई, फोन भी मिल गया। इसमें तो कर ले कुछ भी, सब चीज है इसमें। जो जो मेरे फोन में वो सब चीज है। मोटा क्या चला रहा था? 7 प्लस चला रहा था, 32 GB। हाँ फोटो ना आवे थी इसमें। इसमें लेके फोटो चलाना। अब यो तेरा बटन तो चला है, अब यो बटन ना इसमें। अब सीखा तो सही इसने। अब तू पापा का भी तो चलावे कभी कभी। यो बटन है आपका ये। अब तुझे कैमरा खोलना है, टाइम लगेगा तो सारी चीज आवे फिर। हां ये ले फोटो आ गई। अब यो हटानी है, हटा के दिखा इसने। नहीं नहीं डिलीट ना करनी। हट गई। हां अच्छा डिलीट ना हुई। डिलीट हो जाएगी तो क्यों करा डिलीट। अच्छा ऐसा कर क्या बना है। अब एक और फोटो ली। आप कुछ भी करना हो ये आपका होम बटन जो बटन दबाए करते ना। अब बटन दबाना सिर्फ ये करना। अरे सीख जाऊंगी आज में। अब मेरे तो एंड्रॉइड ना चला फोन ही भी वाला। भाई तुम बड़े हो यार, अब कहां है एंड्रॉइड। मेरा फोन तो देख तू। भूखी हो क्या आप? ये ला कैसे गिर रखे अपने आसपास। मोटो का नया फोन ले भाई। वही तो एक चल रही तेरी बैटरी परसेंटेज। अरे वो कहां है? 5 भाई। जब भी नया आईफोन लो उसकी बैटरी परसेंटेज चेक करके लो। ये देखो बैटरी परसेंटेज होती है नए फोन की हमेशा 100। उससे क्या फर्क पड़ जाए? कैमरा कोई पुराना छपेक दे उससे बैटरी परसेंटेज कम होती है ना ज्यादा टाइम। तो हमेशा ये चेक करके लो, इसका सीरियल नंबर चेक करके लो कि वारंटी है इसकी पूरी, नया फोन है या नहीं है। ये रहा लो भाई मोटू का नया फोन। मैंने तो आज अपने फोन पे चढ़वाया। मेरा ये जिस फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने चढ़वाया भाई अपने फोन पे टेम्पर्ड मैट वाला बिल्कुल, जिसमें फिंगरप्रिंट भी ना आवे। सो जाओ। अरे बहुत जाके करो यार, सो जाओ भाई। अच्छा तुम तो दिन में देख रहे हो ना इसको, तो उड़ जाओ भाई। काम करो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो ठीक है। अपना भी फोन चेंज हो गया, मम्मी को भी चेंज करा दिया, सब चीज बदल गई भाई, जिंदगी चेंज हो गई। Nice, such a nice vlog system. बहुत amazing vlog था। और सबसे अच्छा जो था that was आंटी का रिएक्शन, इतनी खुश हो गई। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि एल्विश हमेशा मजाक करते रहते हैं, तो उनको वही लग रहा था जैसे पहले आइसक्रीम बोल दिया कि हाँ सरप्राइज़ के लिए आइसक्रीम है, तो वो बेचारी बहुत आस लगा के बैठी हुई थी कि यार आज कुछ तो सरप्राइज़ आएगा। तो लेकिन जब उन्होंने फ़ोन देखा शी वॉज सो हैप्पी। थोड़ी देर के लिए तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, आई थिंक दो बार पूछा भी कि सच में लाया है तो ये नहीं तो कहाँ से लेकर आया है। दैट वाज वेरी स्वीट यार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये व्लॉग, रियली बहुत अच्छा लगा। उनको बहुत अच्छा लगा होगा कि यार मेरा बेटा मदर्स डे पे मेरे लिए इतना महंगा फ़ोन लेकर आया। एंड दैट स्माइल इज़ वेरी प्रेशियस एंड आई रियली लव्ड द व्लॉग एंड या तो इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड आई रियली होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर ज़रूर कर देना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल दैन डू सब्सक्राइब टू इट विच इज़ कीर्ति चंद, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।